बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल साहब और एनसीपी के नेता और देश के बड़े नेताओं में जिनका शुमार होता है, माननीय शत्रुराज जी, मेरी पार्टी के राज्यसभा के साथी सभी, मीडिया वाले साथी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया है। मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। पहले को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन अगर अंदर एक झाँक अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी डे बाई डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, चाहे वो मीडिया के जरिए करवा रहे हो, चाहे वो किसी को MLA को तोड़ के खरीद के करवा रहे हो, चाहे किसी को गिरफ्तार करके CBI की तरफ करवा रहे हो। जो गवर्नर हैं देश में वो स्टार कंपेनर बन चुके हैं बीजेपी के, और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस बन चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार काम किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। अगर कोई गवर्नर कहता है जी मैं 3 दिन काम नहीं कर पाया, तो उसकी गवर्नरी भी बदल हो जाती है कि आपको किस चीज के लिए करवाया था। तो ऐसा चल रहा है। दिल्ली में तो चलो LG को उन्होंने सरकार घोषित कर रखा है, तंगल में पंजाब में से खुद से हमें अपना बजट सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। गवर्नर जो है वो कह रहे मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। सो देश में इलेक्टेड राज करेंगे ना सिलेक्टेड राज, सवाल ये है। तो फिर 140 करोड़ जनता जो है वोटे के लिए बहन के तौर रखती है, क्यों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा जाता है अगर सिर्फ 30-35 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री नहीं देश चलाना है। तो ये बहुत ही खतरनाक है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। हर रोज किसी न किसी तरीके से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे पानी जो पंजाब है पानी सतलुज हमारे पास ब्यास पानियों के जरिए है, चाहे वो पुलिसिंग, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर, हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा एक मैं तो कहूँगा कि भगवान ने मौका दिया है कि देश में इतना को बैठा होने का, और शरद पवार जी के लिए कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने देश पर इतने संकट देखे और उन संकट में से जब निकलना था तो ये उस कमेटी के या उस सलाहकार जो कमेटी बनती थी उसके मेंबर रहे हैं। बहुत बार देश भर इन्होंने संकट देखा और संकट को इन्होंने टाला भी और संकट से बाहर भी निकाला देश को। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक संकट आ गया है देश पर। इसीलिए शरद पवार जी के लिए यहाँ पर आप आए हैं कि आप एक बार फिर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके और इस देश को बचाइए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाइए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को ये जवाब दे सकें कि जब डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा था तो क्या कर रहे थे। कम से कम हम ये कह सकें कि हम ट्राई कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे और हम किसी भी माध्यम से रोकना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।